फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, ऐसे लोग जेड़े ईमान ले आए ने ते चंगे कम कर दे रहे, नमाज़ां पढ़न वाले। अल्लाहु अकबर कबीरा, साल बाद एक महीना आंदा है, रमजान दे रोजे रखन वाले, रात दा क़याम करन वाले, सदका व खैरात करने वाले, सिला रहमिया करन वाले, हज उमरे करन वाले, अमिल सालेहात, नेक कम्मा अंदर सबकत ले जान वाले। अल्लाह जी इना वास्ते इनाम किए, फरमाया लहुम जन्नातुन तजरी मिल ताहते अल अनहार। ओ सियालकोट वाले आ, मेरा रब तमगे दे रहे है, मेरा रब इनाम दे रहे है, ए लोग ने। अल्लाह फरमांदे ने जिन्ना वास्ते मैं पगा तैयार कीते ने, और इन्ना बगा दे नीचे नहरा चल रही ने, बड़ी सोनी लोकेशन है, बड़िया अजीम नेमता रब्बे कायनात ने ना लोगों वास्ते तैयार कर दितियां ने। अल्लाह जी जेड़े ईमान ले आने ते चंगे कम करन, बंदे दे पुत्र बन के जिंदगी गुजारन, अल्लाह उन्हां वास्ते बगा दे ते होर की है। फरमाया ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ईमान वाले ओ ए लोग बहुत बड़ी कामयाबी नू पहुंच गए, ये बड़ी कामयाबी पा गए। जेड़े चंगे काम करते रह, नेक अमल करते रह, मेरा रब फरमांदा बहुत बड़े कामयाबी नू पहुंच गए ने, बहुत बड़े कामयाब हो गए ने, कि जेड़े दुनिया अंदर जिंदगी गुजार रहे ने, अमले साले कर रहे ने, नेक काम कर रहे ने, नेकी अंदर सुस्त नहीं, लेकिन नेकी अंदर वो सबकत ले जान वाले ने, मुकदम रहन वाले ने। जिथे भी मौका मिलिया नेकी करन दा, वो पिछे नहीं हटे, उन्हां मुंह नहीं मोड़िया, बल्कि मुकदम रहे ने। मेरा रब फरमांदा वो दुनिया ते गुजरी जानी है, भैड़े कम अंदर गुजारोगे तद भी गुजर जाएगी, चंगे कम अंदर गुजारोगे तद भी गुजर जाएगी। जे चंगे कम अंदर गुजारोगे ते रब फरमांदे ने अगे राहत ही राहत है, अगे कामयाबी कामयाबी। अल्लाह एहो जिहा मुसलमान बना दे। अल्लाहू अकबर। ते एक होर ना मुकाम सुनावा, अल्लाह ने इत्थे भी कामयाब लोगों का तज़किरा फरमाया। ये 18वां पारा है ते सूरा अल मोमिनून है, ते मैं जरा अल्लाह का कुरान पढ़ा। ए रब्बुल आलमीन ने इत्थे भी कामयाब लोगों का तज़किरा फरमाया। आवाज आंदी है कद अफलम अल मोमिनून, फला पा गया मोमिन, कामयाब हो गया मोमिन। अल्लाह ए कौन लोग जड़े कामयाब हो गए ने, फरमाया अल्लज़ीन नहुम फी सलातिहिम खाशिउन, जेड़े नमाज़ां पढ़दे ने अल्लाह तो डर के पढ़दे ने। वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिज़ून, ते फिर अपनियां ज़बानां नूं लगवियां तो कंट्रोल करदे ने, बेहूदा बातां नहीं करदे, चुगलियां नहीं करदे, गीबतां नहीं करदे, गाली गलोच नहीं निकालदे, झूठ नहीं बोलदे, अपनी ज़बान तो मंदा नहीं बोलदे। वल्लज़ीना अपनियां शर्मगावां दी हिफाजत करने वाले, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम ग़ैरु मलूमीन, बीवियां इन्हां वास्ते हलाल ने, और ऐसियां जड़ियां लौंडियां ने इन्हां वास्ते हलाल ने। फमनी बतावा वरा अजालिक, फमनी बतावा वरा अजालिक व उलाइक हुमुल आदून। अल्लाह दियां हद्दां पलांगदे नहीं, रब दी नाफरमानी नहीं करन वाले। वल्लज़ीना हुम लि अमानत अंदर बातें आंतियां नहीं करदे, वादे दी खिलाफ
वर्जी नहीं करने वाले वल्लजीनहुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून ते नमाज़ा दी हिफाजत करने वाले ना फजर ओना कुल कदा हुंदी है ना ज़ोहर ओना कुल कदा हुंदी है ना असर नु छड़ देने ना मगरब ईशा छड़ देने ओ ते नमाज़ा दी इबादत करने वाले एक नमाज पढ़िए दूजी नमाज दा फिक्र किते कदा ना हो जाए ऐ मोमिन ए नहीं पढ़ लिए ते हुन काम अंदर इन्ना रुझिया दो दो चार चार नमाजा गुजर गई ने ते फिर मसला पूछते ने मौलवी जी ये जमा कर लीए मैं ध्यान लगा सा तू सूली ते चढ़ गया सा अजीब अजीब मसले और नमाज तो पढ़ के तेरे कोल केड़ा अहम काम है मौलवी जी मेहमान आए सी जरा बैठे ते नमाज निकल गई ते हुन जमा कर लीए या दूजी पढ़ लीए दूजी जमात करवा लीए ये कितों असूल कढ लिया जी जो अव्वल वक्त नमाज दे ते तू गप्पां लगा रहे हैं ते जो जमात हो गई कई सूफिया बड़ी आदत है पहली मुकदम नमाज पढ़नी नहीं ते गप्पां लगा रहे ने ते जो जमात हो गई बाहर खलो के दूजी नमाज करा रहे ने जी बड़े वड्डे नमाजी नमाज ना मजाक करते हो कुरान कहिंदा फरकाऊ मार राकईन और नमाज पढ़ो जमात दे नाल पहले तू गप्पा लगांदा रहे हैं फजूल बैठा रहे हैं और कारोबार तेनू नमाज तो मुकद्दम है उदो तू नमाज पढ़ी ना ते जदों मरकजी नमाज हो गई है फिर बाहर खलो के एक साइड ते दूजी जमात करा रहे ने मौलवी जी असी लेट हो गए सा हां तू बड़ा तू मुल्क नु कंधिया ते चुकया सी तू लेट हो गया की तेरे को माकूल बहाना है हाँ अगर कोई माकूल बहाना है सफर से कोई गया है या नहीं पहुंच सकिया उंदा ते उधर मौजूद है मैं गल उन्हां दी कर रहा घर अंदर बैठे ने काम कर रहे ने वक्त भी है काम अंदर मशरूफ ने दुकानदार है जी चार गाहक मैं टोर लवा तो फिर नमाज पढ़ांगा और गाहकां दा की फायदा है कि जिस गाहक ने तेनू फर्जी नमाज तो ही तेनू तेरी नमाज ही कदा करती तेरी नमाज गुजर गई चंद टकिया की खातर तू नमाज ना पढ़ सके जमात ते फिर आंदे मौलवी जी कारोबार अंदर बरकता नहीं मौलवी जी की करिए और जिदो तू रब्बे कायनात दे नाल वफा ना कीती तू अल्लाह दी नमाज नाल वफा ना कीती रब ने तेनू बुला दिया पता नहीं गल्लां सानू कदों समझ अंदर आन गईयां मैनू ये दसो बैतुल्ला ऐसा अजीम अल्लाह दा घर है कि तवाफ हो रहा 24 घंटे बोलदे नहीं कोरोना भी सी फिर भी तवाफ हो रहा सी लेकिन देखो बैतुल्ला इतनी अजीम अल्लाह पाक दी इज्जत वाला घर है और जो फर्जी नमाज दा टाइम हो जाए ना बैतुल्ला दा तवाफ भी रुक जाता है वो सियालकोट वाले नमाज इतनी अहम है बैतुल्ला दा तवाफ रुक गया तेरा कारखाना क्यों नहीं रुकया नमाज टाइम बैतुल्ला दा तवाफ रुक गया है तेरी दुकान क्यों नहीं बंद हुई बैतुल्ला दा तवाफ नमाज टाइम रुक जाए और तेरी मसरूफियत नमाज तो भी बेहतर है कि तवाफ बैतुल्ला दा रुक रहा है नमाज टाइम लेकिन तू मसरूफ है और तू फिर ये भी गिला करे कि अल्लाह मेनू अता नहीं करता और चलिया मेरे रब ने तेनू की कुछ नहीं अता किया लेकिन तू इतना बेवफा है कि तू फर्जी नमाज मुकद्दम अव्वल टाइम अंदर वो नहीं पढ़ सकता